चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौआ। रत्नापुर नामक एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ ना मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गयी। अचानक उसकी नजर ऊपर गयी। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी को देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने के उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौवा भैया तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छा गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। मैं भी तुम्हारा गीत सुनना चाहती हूँ। क्या मुझे अपना सुरीला गीत नहीं सुनाओगे? कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुँह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुँह खोला रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहाँ से भाग गई। यह देख कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी छोटी तारीफ करते हैं और अपना काम निकल जाने के बाद पूछते भी नहीं हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।